आवाज नहीं आई होगी। ओके, पन्ना क्या है नंबर? लास्ट क्या था? 8 9 है ना पक्का? चलो, एडजस्टमेंट नंबर 9, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हो सकता है कुछ पैसे ना मिले। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हो सकता है कि जब पैसे मिले तो आपको डिस्काउंट देना पड़े। डाउटफुल डेट्स, कि वो पैसे नहीं दे पाया। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब लोग पेमेंट करते हैं तो आप कुछ डिस्काउंट दे देते हो, तो अगर दे देते हो तो पूरे डेटर्स ना दिखाओ, पहले से ही प्रोविजन क्रिएट करके चलो। इसकी जर्नल एंट्री भी क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पीएनएल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? आपके लॉसेस बढ़े। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई। ऑल प्रोविजन आर लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार है। चलो एग्जाम्पल हम खुद क्रिएट करते हैं। कितने डेटर्स लूं? मान्यता कुछ भी बोलो, राउंड फिगर जल्दी। 50,000। एग्जिस्टिंग बैड डेट्स चाहते हो कितने? अबे कैसे कैसे बिजनेस करते हो, 2,500। ठीक ठीक लगाओ बेटा, 50,000 में से 25,000 मतलब कमाल ही हो गया। ऐसे कैसे काम चलेगा? बट जो भी ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो 50 लाख भी हो सकते थे क्योंकि वो डेटर्स में से ऑलरेडी डिडक्टेड है। अब ध्यान से देखना, अब आएगा असली मजा। राइट ऑफ बैड डेट्स ₹5,000। ये क्या है? फर्दर बैड डेट्स। पिक्चर अभी बाकी है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन डेटर्स। इसमें उनका दिल ना भरा तो उन्होंने बोला, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 5%। अब ध्यान से देखना बेटा, पहले तो जो चीजें मुझे पक्का पता है कि आप सही कर लोगे, डेटर्स बैलेंस शीट में इनर कॉलम में 50, एग्जिस्टिंग बैड डेट्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे 2,500। आ जाओ बाकी भी आ जाओ। इतने में कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है? कॉल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, सबसे पहले बैड डेट्स राइट ऑफ करने चाहिए, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, और लास्ट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये होता है सीक्वेंसिंग। सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट है, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये एडजस्टमेंट की सीक्वेंसिंग है। तो चलो, कितने फर्दर बैड डेट्स थे? 5,000। तो डेटर्स में से माइनस करें, फाइव थाउजेंड कितने रह गए? 45। और बैड डेट्स में ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए? फर्दर बैड डेट्स। कितने ऐड कर दिए? 5,000। बैड डेट्स के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 10%। डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करें, उसके बाद जो बैलेंस आएगा प्रोविजन उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मिल गया बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना है 10%। कृषा आप देना चाहते हो तो इधर ध्यान दो, एट 10%, जगह नहीं है बट वो 10% कितना 4500। अब मैंने आपको बताया कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक कि प्रोविजन जो आपने क्रिएट किया वो इसी में ऐड कर दो, एक कि आप अलग से दिखा दो, दोनों बातें एग्जैक्टली सेम है। चलो इस बारी मैं अलग दिखा देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप प्रोविजन इसमें ऐड कर दो या अलग से दिखा दो। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना 4500। यहां तक तो कहानी हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, अब ध्यान से देखना बड़ी मजेदार बात, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5%। अब ये 5% किस पे कैलकुलेट होगा, 50,000 पे या 45,000 पे बैड डेट्स राइट ऑफ करने के बाद या 40,500 पे, बताओ बेटा विदुर। सर 40,500 हो सकता है मान्यता। रिधिमा नो आइडिया। 45,000 श्योर, 40,500 2:1 चल रहा है अभी। आयुष्मान अनंत, यस सर 40,500। अन्वेशा सर 40,500। पृथ्वी 5,000। 45 यस सर। साम्या श्रुत सर 45,000। 45,000 गलत जवाब है, ध्यान से देखना नलायकों, जो पैसे हो सकता है कि आपको मिले ही ना उनको भी डिस्काउंट दोगे। प्रोविजन आपने मान लिया कि हो सकता है ये पैसे मुझे मिले ही ना, आपने तो वो पूरे डिस्काउंट कर दिए, आपको मिलने थे 45,000 रुपीज। अगर वो मिलते पूरे तो प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं थी, जहां आपने प्रोविजन क्रिएट कर दिया आपने तो वो पूरे डिस्काउंट कर दिया कि यार ये पैसे तो शायद ना मिले, बचे 40,500। जब वो मिलेंगे तो हो सकता है कि आपको डिस्काउंट देना पड़े। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 5%, तो 5% ऑफ 40,500। गुड इवनिंग इकोनॉमिक्स टीम है, हेमंग अपना पेपर उठा लो पहले यहां से। तो प्रोविजन का क्या करेंगे, इधर है, इधर 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 है, डेटर्स में से माइनस और एक बार ही हो गया डेटर्स में से माइनस, दूसरा जो लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से आ जाएगा। क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना डिस्काउंट आया 2025। बेसिकली प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो एक बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा और एक बारी डेटर्स में से माइनस होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। डेटर्स में से सबसे पहले बैड डेट्स राइट ऑफ होते हैं, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। समझ आया, क्वेश्चन नंबर 9 में यूज हो रहा है, 8 में पहले कॉन्सेप्ट रीड करना फिर उसको अप्लाई करना क्वेश्चन नंबर 8।